हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के बहुत ज्यादा डिमांड पे आज हम लेकर के आ चुके हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के महत्वपूर्ण चैप्टर। आज हम आपको चैप्टर वाइज बताएंगे कि ये जो 40 चैप्टर, इतने ज्यादा चैप्टर्स आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, उनमें से कौन कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां से सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मतलब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर आज कंप्लीट आप पढ़ेंगे। आज ये जानेंगे आपकी कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है, और ऐसे कौन से चैप्टर है जिन पर अगर हम काम ना भी करें, जिनको तैयार ना भी करें तो भी चलेगा। सब कुछ डिटेल में आपसे हम आज बताएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा दोस्तों, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन पांडे जी टेक्निकल को, ठीक है। पांडे जी टेक्निकल को ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल फोन में और कोर्स को परचेज कीजिए। याद रखिएगा, मात्र 299 के कोर्स में आप जो है अपनी पूरे प्रवेश परीक्षा को सफल बना सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में आप 100% गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप जुड़ सकते हैं पांडे जी टेक्निकल के क्लासेस से। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं आज के इस वीडियो में। ये चैप्टर की लिस्ट है सर, यहां जी ये सारे आपके पास चैप्टर्स की लिस्ट है। तो क्या ये सारे चैप्टर हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कुछ चैप्टर्स पे अगर कम भी फोकस करें, कम काम करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको बताता हूं कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जरा गौर फरमाइएगा इस वीडियो पे और आप देखिएगा। सबसे पहला है वर्गमूल तथा घनमूल, यहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं सर। मात्र आपके एक क्वेश्चन आएगा या ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। घातांक तथा करणी से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जो कि सिंपल आपका किसी न किसी नियम पर आधारित होगा, ठीक है। जैसे ए टू द पावर एम इंटू में ए टू द पावर एन रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ए टू द पावर एम प्लस एन। इस तरीके के सवाल में एक या दो मुश्किल से घातांक तथा करणी से आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे प्रवेश परीक्षा में। सुनते जाइए, देखते जाइए आप कि हम क्या बता रहे हैं। सरलीकरण, सरलीकरण का क्या कॉन्फिड क्या कॉन्सेप्ट है। सरलीकरण का ये कॉन्सेप्ट है कि यहां से आपके दो क्वेश्चंस बड़ा शानदार आएंगे, यानी कि सरलीकरण वाला चैप्टर आपका 8 नंबर लेकर के रहेगा, ठीक है। यानी अगर एक क्वेश्चंस पे आपको 4 नंबर मिलते हैं तो सरलीकरण वाला ऐसा चैप्टर है जिससे आप दो क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे, ठीक है। बहुपद एवं गुणनखंड से आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे, याद रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बहुपद और गुणनखंड से आएंगे। लगातार क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं और 4 से 5 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, बहुपद एवं गुणनखंड से। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़िएगा तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के दृष्टि से ये वाला जो चैप्टर है आपके पास, जिसको आप एलसीएम तथा एचसीएफ कहते हैं, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलसीएम निकालने और एचसीएफ निकालने से और उस पर जो आपका सूत्र है उस पर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ से पूछे जाएंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन तो नॉर्मली रहेगा, किसी का एचसीएफ पूछ देगा, किसी का एलसीएम पूछ देगा, 1 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि सूत्र पर आधारित होगा। जैसे एलसीएम गुड़े एचसीएफ इज इक्वल टू पहला संख्या गुड़े दूसरा संख्या, ये वाला जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं, 1 क्वेश्चन उस पर रहेगा मतलब सॉल्व करने वाला, और 2 क्वेश्चन नॉर्मली एलसीएम का और एचसीएफ का रहेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से भी पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण से, इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे एक तो द्विघात समीकरण सीधे दे देगा आपको और पूछेगा कि द्विघात समीकरण दे दिया भाई, आप इसको हल कीजिए, है ना। और दूसरी चीजें क्या करता है कि कुछ न्यूमेरिकल टाइप का दे दे, जैसे कि एक संख्या और संख्या का व्युत्क्रम का योग 16 है, तो संख्या क्या है आप इसे सॉल्व करके बनाइए। ऐसे द्विघात समीकरण से क्वेश्चन, मतलब कि आपका वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट आप द्विघात समीकरण को कर लीजिएगा। यानी इस वाले स्क्रीन से आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से 4, 4, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। ये 3 चैप्टर आप लोगों के लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब इन चैप्टर्स में क्या था, कुछ नहीं, सिर्फ नियम था, नियम पढ़ लिया आपने, बस काम हो गया। अब क्या इतना ही है, नहीं सर। अब तो हम बढ़ते हैं अगले अपने एपिसोड की तरफ। अगला हम क्वेश्चंस आपको बताते हैं कहां से क्या इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, यहां पे फटाफट देखिए, अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कार्य तथा समय,
ठीक है। यहां से आप लोगों का आता है दो क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से, ठीक है, कार्य तथा समय से। हर सेट में इवनिंग का सेट हो, मॉर्निंग का सेट हो, प्रीवियस ईयर का सेट हो, दो क्वेश्चंस आप लोगों का कार्य तथा समय से देखने को मिलेगा, आराम से मिलेगा और आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगली चीजें क्या है सर, अगली चीजें है चाल, समय तथा दूरी से भी आप दो से तीन क्वेश्चंस आसानी के साथ ले सकते हैं, जिसमें फॉर्मूला तो एक ही यूज होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय से दो से तीन क्वेश्चंस आप लोगों को सीधे मैथ में झलकेंगे, हर सेट में आपके आते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान से देखना है। अनुपात से आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों का तय है, रेशियो से सिंपल रहेगा, बड़ा सिंपल रहेगा इसका क्वेश्चन, सिंपल तो रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट भी आपका उतना ही रहेगा, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये अनुपात से आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ये चाल समय तथा दूरी और कार्य तथा समय से ये दोनों मिला देंगे तो लगभग 4 से 5 सवाल आपके जो है इन दोनों चैप्टर को मिला करके पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ, ये है आप लोगों के सामने साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से आ जाएंगे, जिसमें साधारण ब्याज से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल अगर फॉर्मूला याद है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का तो आप निकाल लेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज का निकाल याद है तो आप वो भी निकाल लेंगे, सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चंस रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। औसत से 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपको याद रखना है, हर सेट में औसत से 2 क्वेश्चन, एक तो डायरेक्टली रहेगा और दूसरा रहेगा औसत से, जो बोर्ड एग्जामिनेशन टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसमें आप बोर्ड एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चंस में आप देखते होगे ना, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से रहते हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो औसत वाला 2 क्वेश्चन, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज से 3 से 4 क्वेश्चन, मीन मोड तथा बहुलक निकालने से आपके पास 2 क्वेश्चंस निकल के आएंगे, ठीक है, मीन निकालना होगा, चाहे मोड निकालना होगा, चाहे आपका मीडियन निकालना होगा, ठीक है, तो आप लोगों का ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसका भी बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, उसी पे आधारित आप न्यूमेरिकल करते हो, तो आपका मीन मोड मीडियन भी हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट। अब आपके त्रिभुज से आ चुके हैं 4 से 5 क्वेश्चन, आपके ट्रायंगल से आएंगे, जिसमें 4 से 5 से ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बहुत ज्यादा कवर करेगा, एक तो ट्रायंगल त्रिभुज आपका क्षेत्रफल वाला भी कवर करेगा, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा, है ना, 1-2 क्वेश्चन क्षेत्रफल से तय है, दूसरा आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया, या फिर आपका थेल्स का प्रमेय होगा, जो त्रिभुज वाला चैप्टर क्लास 10th में है, उस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, उस पे जो क्वेश्चंस है, उसके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से 4 या 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये 2 चैप्टर को मिलाइए, एक त्रिकोणमिति है, एक ऊंचाई तथा दूरी है, लगभग 10 क्वेश्चन आप मान करके चलिए इन दोनों को मिला के, दोनों को मिला के मैं कह रहा हूं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऊंचाई तथा दूरी से आ जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से आ जाएगा, आप लोग बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बड़ा मजेदार तरीके से पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी से 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से ऊपर ही आएगा, और त्रिकोणमिति से 5 से 6 क्वेश्चन आएगा। त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा कवर करेगी आपकी, त्रिकोणमिति इसलिए ज्यादा कवर करेगी ना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ा सेक्शन है क्लास 10th में, और सबसे अधिक और इक्वली इंपॉर्टेंट आप लोग का त्रिकोणमिति है, तो आपको याद रखना है, तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन यहां से लिखा। अब देखिए क्षेत्रमिति से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें क्या क्या शामिल रहेगा, सिलेंडर शामिल रहेगा, गोला शामिल रहेगा, कोण शामिल रहेगा, ये सारी चीजें जो है उसमें शामिल रहेंगे, और क्षेत्रमिति में आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, जैसे सिलेंडर का आयतन पूछ दिया, उसका क्षेत्रफल पूछ दिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया पूछ दिया, या गोला का पूछ दिया, या कोण का पूछ दिया, इस तरीके में क्षेत्रमिति। वृत्त से आप लोगों के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों के नॉर्मल उस पर आधारित रहेंगे, उसके जो प्रमेय है, क्योंकि बहुत अधिक आपके वृत्त में प्रमेय देखने को मिलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से आप देखिएगा तो 2 क्वेश्चन एटलीस्ट, या फिर आपको 3 क्वेश्चन तो आपको निर्देशांक ज्यामिति से भी देखने को मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, नॉर्मल नहीं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ दिया आपसे, नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, गुड लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने कल रात को 8 बजे वाले सेशन में कराया भी है, तो ये चीज आपको निर्देशांक ज्यामिति से देखना है। समांतर श्रेणी, ये देखने में तो दोस्तों बड़ा नया है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। 2017-18 वाले पेपर में मैं देखा था कि 4 क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी से पूछ दिया गया है, कई में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि 2 क्वेश्चन जो है इस आसान टॉपिक से पूछ दिया जाएगा, और ये कुछ बहुत हार्ड नहीं है, आप चाहेंगे तो इसको आसानी के साथ निपटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है, आप इसको आसानी के साथ निपटा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के पास पूरा खाका,
ठीक है, जो कि आपको ध्यान से समझना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिएगा ना आप, तो इसमें सरल रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन। मुझे लगता है पता ना यूपी बोर्ड के सिलेबस में है या नहीं, पहले तो था आपका, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न हुआ है तो मुझे नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। सरल रेखा वैसे हम आपको पढ़ा नहीं देंगे, और लॉग वाला जो क्वेश्चन है, लॉगरिथम का जो क्वेश्चन है जिसको हम लघुगणक कहते हैं, ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, कितना पूछा जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपके लघुगणक के पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन आप लोग के सरल रेखा से पूछा जाएगा। सरल रेखा से मैंने 1 क्वेश्चन इसलिए लिखा क्योंकि ये पीछे अगर आप देखेंगे ना तो मैंने निर्देशांक ज्यामिति लिख दिया है, जिसमें दूरी वगैरह तो इसी में आ जाएगी, तो इसी से मान के चलिए कि आपका काम निकल जाने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास मैथमेटिक्स के पूरे खाका, पूरा खाका कि कहां से क्या पढ़ना है आपको। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी करना है, अपनी बेस्ट तैयारी करना है तो पांडे जी टेक्निकल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और मात्र 299 के फीस में, 499 का कोर्स मात्र मिलेगा आपको 299 में। तो नंबर पे कॉल कीजिए, आसानी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।